वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में आपको ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना बता रहे हैं और डायग्राम्स आपके सामने बना रखे हैं। देखिए, अगर आपको इस टाइप के डायग्राम्स आ जाए और बोला जाए कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैलकुलेट, चाहे कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम समय में इन पिक्चर्स में कितने ट्रायंगल्स हैं बिना किसी कंफ्यूजन के और डाउट के बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ट्रिक है, कैसे हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट अपने डायग्राम को, जो कुछ इस टाइप का बना हुआ है। इसमें हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, टोटल लिखना है 4। देन अगर हम इसमें और अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड एक ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 5 ट्रायंगल्स। बट जैसे जैसे इनके अंदर और पार्टीशंस बढ़ती जाएंगी, तो हमें इस मेथड से कैलकुलेट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, वो आपको क्या करना है, आपको करना है 4 इंटू में नंबर ऑफ ट्रायंगल प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने छोटे ट्रायंगल्स हैं, वो नंबर लिखना है आपको यहाँ। ओके, देन 1 प्लस कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके आ जाएंगे 4 इंटू 1, 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 5। चलिए अब इसमें करते हैं 4। ये 4 जो है आपको, ये हमेशा 4 लिखना है। देन 4 के साथ इंटू क्या करेंगे आप, कि इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने छोटे ट्रायंगल्स हैं। तो इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने छोटे ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, तो 2 छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो 2। फिर प्लस 1 हमेशा करना है आपको, 4 हमेशा लिखना है, प्लस 1 हमेशा आपको करना है। बस यहाँ पे जो 2 है, इंटू 2 है, वो नंबर है कि कितने ट्रायंगल्स बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हैं। तो ये देखिए 4 इंटू 2, 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 9। देन इस क्वेश्चन में देखते हैं 4 इंटू में कितने ट्रायंगल्स हैं बड़े ट्रायंगल्स के अंदर, वो देखते हैं 1, देन 2, देन 3, 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 लिख दीजिए, देन प्लस 1 अगेन। मतलब आपको ये हमेशा याद रखना है कि 4 और 1 ये हमेशा रहेगा। बस ये जो 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये हम क्या लिख रहे हैं कि इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने छोटे ट्रायंगल्स हैं, उनके नंबर हमें लिखने हैं। तो 4 3 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 13। देन अगेन इसमें चलते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप का पार्टीशन आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है। अगर हम इस लाइन को, जो इसमें ये पार्टीशन है, अगर हम इस लाइन को थोड़े देर के लिए भूल जाएं, तो ये ट्रायंगल, ये जो डायग्राम है, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारे फर्स्ट डायग्राम की तरह। और फर्स्ट डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं, 5 ट्रायंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस, इसमें एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 6 ऐड कर दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 11। देन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सेम है कि अगर हम इन पार्टीशन को भूल जाते हैं, तो बिल्कुल ये सेम बन जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह। और सेकंड क्वेश्चन हमें पता है कि सेकंड क्वेश्चन में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 9 है, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 15। देन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए अगर हम कंसीडर करें, अगेन हम अपना सेकंड डायग्राम कंसीडर करते हैं, तो सेकंड डायग्राम में अब
अगर हम अगेन अपने सेकंड डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो देखते हैं कि लार्जर ट्रायंगल, लार्जर में वन ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, तो टोटल हो गए हमारे पास नाइन। नाइन प्लस ऐड करते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 15। ओके, देखिए इन दोनों डायग्राम्स में फर्क क्या है कि यहाँ पे जो पार्टीशन है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल में है, कॉर्नर वाले में है, और यहाँ पे पार्टीशन जो है वो इनर वाले ट्रायंगल में है। बट अगर हम इसमें और अगर हम पार्टीशन कर दें दिस दिस एंड दिस, तब हमें क्या करना होगा, तब हम इसमें 6 और ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 21। नेक्स्ट एक और टाइप है ट्रायंगल्स के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर इस टाइप के डायग्राम्स आ जाएं और आपको बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स, तो आपको कैसे ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको स्टेज देना है। देखिए स्टेज कैसे आप देंगे, जो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये इसको हमने दिया फर्स्ट स्टेज, देन इसको हमने दिया सेकंड स्टेज, देन इसको हमने दिया थर्ड स्टेज, एंड देन इसको हमने दिया फोर्थ स्टेज। यानी फोर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, एक ट्रायंगल एक स्टेज में ये ट्रायंगल बन रहा है, दूसरे स्टेज में ये वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तीसरे स्टेज में ये वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और फोर्थ स्टेज में लास्ट ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये फोर स्टेज हो गए। स्टेज के बाद हमें इनको इंटू करना है नंबर ऑफ पॉइंट के साथ। अब इस फर्स्ट स्टेज में देखिए कितने ट्रायंगल्स के टिप हैं, 1 ट्रायंगल 2 3 4, फोर ट्रायंगल्स के टिप हैं, तो 4 कर दीजिए। इसमें कितने टिप हैं, 1 2 3, 3 टिप हैं, 3 कर दीजिए। देन 2 × 2 कर दीजिए, देन 1 × 1 कर दीजिए। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, 2 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, तो ये टोटल हो गए 20। अब 20 इनके अंदर ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो सीधे हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगल्स हैं 20। लेकिन अब इसमें हमें ऐड करना है जो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं, जो उल्टे ट्रायंगल्स हैं। अब उल्टे ट्रायंगल्स आप कैसे देखेंगे, ये देखिए ये है, ये उल्टे ट्रायंगल्स हो गए, एक ये उल्टा ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए, देन 4, देन 5 एंड 6, तो टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए आपके जो उल्टे ट्रायंगल्स हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो ऐड करना है वो करना है हिडन ट्रायंगल। अब इसमें हिडन ट्रायंगल यानी छुपा हुआ ट्रायंगल कौन सा है, ये कौन से हो गए, ये हो गए उल्टे ट्रायंगल्स। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें ढूंढना है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर, देखें ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये हो गया छुपा हुआ, तो ये हो गया 1। तो अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल हो जाएगा 27। यानी 27, 20 और 6, 26 और 17, 27 ट्रायंगल्स इसके अंदर हैं। तो बहुत आसान है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट जो हमने डायग्राम आपके लिए बनाया है ये इसके लेवल इंक्रीज हो गए हैं, स्टेजेस इंक्रीज हो गए हैं,
जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4 ही थे। तो देखते हैं इसको, फिर अगेन इसको लेवल देते हैं, स्टेज देते हैं। स्टेज ये 1 हो जाएगा, स्टेज 2 हो जाएगा, स्टेज 3 हो जाएगा, स्टेज 4 हो जाएगा, स्टेज 5 हो जाएगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें काउंट करने हैं वो हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इतना हो गया। अब देखिए अब इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 1 5 जा 5। अब इसको ऐड करते हैं, 8 और 5 13, 13 और 9, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 8 28, सॉरी 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 हो गए। अब इसके बाद हमें देखना है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल्स कितने हैं, तो देखते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो हमारे पास 10 हो गए वो हो गए उल्टे ट्रायंगल्स, उल्टे ट्रायंगल्स हो गए 10। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें हिडन ट्रायंगल्स कितने हैं, छुपे हुए ट्रायंगल्स कितने हैं। तो ये देखिए, एक हो गया ये 1 1, देन 2 एंड देन 3, ये 3 हिडन ट्रायंगल्स हो गए उल्टे छुपे हुए, ठीक है। तो ये हो गया 3। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमें हिडन ट्रायंगल्स काउंट करने हैं वो भी इन्वर्टेड ही काउंट करने हैं, वो भी उल्टे ही काउंट करने हैं। ये ग्रीन जो भी मैंने लिखा है कलर से, इसका मतलब ये दोनों ही उल्टे ट्रायंगल्स हैं, कि इनका टिप नीचे है और ये ब्रॉड वाला हिस्सा ऊपर की साइड है, तो ये उल्टे ट्रायंगल्स हैं। तो ये अगर हम इनका टोटलिंग करेंगे तो देखेंगे 35 और 10, 45 45 और 3, 48, यानी टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स हो गए वो 48 हो गए इस टाइप के फिगर में। तो होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम आप तक और ऐसे वीडियो पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।